हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वाटर कलर से पेड़ पेंट करना सीखेंगे। अब मैं यहाँ पर बेसिक ड्राइंग बना रही हूँ और वो मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ। तो बेसिक ड्राइंग बनाने के बाद हम यहाँ पर पेन से कुछ डिटेलिंग करेंगे, जैसे कि जो उसकी आउटलाइन है वो थोड़ी सी और इंक्रीज करेंगे और कुछ डिटेल्स में मतलब थोड़ा सा टेक्सचर ऐड करेंगे। और हमेशा की तरह मेरा पेन ठीक से चल नहीं रहा था, और जैसे हमारा नसीब ठीक से नहीं चल रहा वैसा ही मेरा पेन भी है। और मैं बार बार पेन चेंज कर रही थी। कोई नहीं, चलो डिटेलिंग ऐड करते हैं। हम दो पेड़ बनाने वाले हैं, इसलिए मैं दूसरे पेड़ का भी यहाँ पर ड्राइंग कर रही हूँ और वो मैं पेंसिल से कर रही हूँ। तो बेसिक ड्राइंग होने के बाद हम फिर से पेन से कुछ डिटेलिंग्स ऐड करेंगे, उसकी जो आउटलाइन है वो मोटी करेंगे। और यहाँ फिर से वही प्रॉब्लम, मेरा पेन चल ही नहीं रहा था यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर काम चला लेंगे। पेन से आउटलाइन करने के बाद हम यहाँ पर इरेजर से इरेज करेंगे और फिर आगे का स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर लाइट ब्लू कलर का फर्स्ट वॉश देने जा रही हूँ। साथ ही साथ मैं दूसरे पेड़ का भी फर्स्ट वॉश दे रही हूँ, और ये दूसरा पेड़ हमारा ग्रीन कलर का होगा, तो इसलिए फर्स्ट वॉश हम येलो कलर से स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे हम डेप्थ ऐड करेंगे वैसे ही हम डार्क कलर के शेड भी ऐड करेंगे, और डार्क कलर के शेड ऐड करने के लिए हम उसमें ब्लू और ग्रीन ऐड करेंगे और उसमें से ही शेड्स क्रिएट करेंगे। अब मैं यहाँ पर डार्क कलर से टैप टैप कर कर कुछ डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ। अब हम यहाँ पर हरे पेड़ की डिटेलिंग ऐड करेंगे। डार्क कलर करने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन में थोड़ा सा ब्लू मिक्स किया है और उससे मैं डार्क कलर दिए जा रही हूँ। चलिए, हमारे पेड़ बनकर तैयार है। तो ये है वाटर कलर से पेड़ रंगने का एक आसान तरीका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इजी वीडियोस देखने को मिलेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।